जून 2024 में T20 वर्ल्ड कप खेला जाना है और इंडिया की टीम अभी भी अपने फास्ट बॉलर तलाश रही है जो T20 क्रिकेट में बेहतर गेंदबाजी कर सके। जसप्रीत बुमराह जब आएंगे तो शायद इंडिया की प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, लेकिन बैकअप में आपको कुछ अच्छे फास्ट बॉलर चाहिए होंगे क्योंकि एक गेंदबाज आपको वर्ल्ड कप नहीं जिता सकता। आपके पास 4-5 अच्छे गेंदबाज है तो फिर आपके लिए बात बन सकती है। और अभी पिछली 2-3 सीरीज से इंडिया के लिए जो T20 टीम खेल रही है उसमें आवेश खान हो या मुकेश कुमार हो, ओवरऑल क्वालिटी लैक करते हैं। और T20 क्रिकेट में तेज गेंदबाजी, बिकॉज जब आपको डिफरेंट फेजेस में करनी होती है तो वो एक स्पेशल आर्ट है, स्पेशल स्किल सेट है जो बहुत कम गेंदबाजों के पास दिखाई देती है। दोनों अच्छे गेंदबाज हैं, बट शायद T20 क्रिकेट के बेस्ट गेंदबाज आप उनको आज की डेट में नहीं कह सकते। तो इसलिए हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कौन से वो 5 तेज गेंदबाज हैं जो इंडिया की डोमेस्टिक क्रिकेट में हैं, अच्छा कर रहे हैं और उनको T20 में जरूर देखा जाना चाहिए। इस लिस्ट में मैंने पहले गेंदबाज को पिक किया है और पहले गेंदबाज है खलील अहमद। खलील अहमद को अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा क्रिकेट हाल फिलहाल उन्होंने नहीं खेली। इस साल उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में वापसी की और 5 मैचेस में 8 विकेट लिए, ओवरऑल अच्छी गेंदबाजी रही। फिर विजय हजारे ट्रॉफी खेले, अभी रेड बॉल क्रिकेट रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं। बट खलील अहमद वो गेंदबाज है, एक तो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, 140 क्लिक्स पर गेंदबाजी करते हैं वो है, एक्सपीरियंस है, इंडिया खेल चुके हैं और बिकॉज जब ये अंडर 19 खेले थे 2016 में तभी से इनके टैलेंट की काफी बात हुई और ओवरऑल टैलेंट था भी, इसीलिए बहुत जल्दी इंडिया खेल गए 2018 में। 2019 के बाद से कोई मैच इंडिया के लिए फिर नहीं खेले, लेकिन पिछले 2 सीजन में इन्होंने जो चीज आईपीएल में दिखाई थी 2022 के साल में, बहुत ज्यादा इन्होंने विकेट्स निकाले और स्पेशली जो वेरिएशंस इन्होंने अपनी गेंदबाजी में ऐड किए, डिफरेंट स्लोअर वंस, फिंगर रोल करके जो है स्लोअर वंस डालते हैं, बैकअप द हैंड स्लोअर वंस आप देखेंगे, हार्ड लेंथ आप हिट करने की बात करेंगे, यॉर्कर बहुत अच्छी इन्होंने मारी, ओवरऑल बाउंसर का इस्तेमाल बहुत अच्छा किया। तो ये जो सारी चीजें थी खलील अहमद के गेम में बेहतर देखने को मिली और बन चेंज गेंदबाजी उन्होंने जिस तरह से की, तो एक स्पेसिफिक रोल में मिडिल ओवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और डेथ ओवर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत अच्छे गेंदबाज अब तक हाल फिलहाल रहे हैं। उसके बाद दूसरे तेज गेंदबाज की बात करेंगे तो दूसरे तेज गेंदबाज हैं कर्नाटका से आने वाले विजय कुमार बैसक। अब ये आईपीएल भी खेले थे 2023 का, वहां पर भी ये विकेट टेकर थे, क्योंकि इंप्रेसिव चीज इनके बारे में भी यही है कि विकेट्स इन्होंने काफी ज्यादा निकाले। हालांकि आरसीबी ने इनको डिफरेंट तरह से यूटिलाइज किया, जिस तरह के ये गेंदबाज हैं इनके पास काबिलियत है कि गेम की तीनों सिचुएशंस में गेंदबाजी कर सकते हैं, नई गेंद कराने की बात अगर करें, क्योंकि ये रेड बॉल क्रिकेट खेलते हैं कर्नाटका के लिए लगातार पिछले 2-3 सीजन से आप इनको देख रहे हैं, रेड बॉल क्रिकेट में बहुत अच्छा कर रहे हैं, 50 ओवर के गेम में भी ये अच्छा कर रहे हैं, तो वो चीज इस बात का प्रमाण है कि नई गेंद अगर इनको दी जाए तो नई गेंद भी इनकी हरकत करती है। और पेस की बात करेंगे तो 140 क्लिक्स तक ये भी गेंदबाजी करते हैं, हाई 130s में गेंदबाजी करते हैं, जो कि एक अच्छी डिसेंट पेस है अगर आपके पास अच्छे वेरिएशन है, अच्छा कंट्रोल है, जो कि इनके पास है। उसके बाद आप देखेंगे कि इनको जिस तरह से आरसीबी की टीम ने इस्तेमाल किया था डेथ ओवर्स में, सो डेथ ओवर्स में ये आकर के विकेट्स निकालते हैं, मिडिल ओवर्स में भी काफी अच्छी ओवरऑल इन्होंने गेंदबाजी की थी। तो ये वो गेंदबाज हैं जिनको आप गेम की तीनों सिचुएशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ओवरऑल आप इनके नंबर्स में देखेंगे, जिस तरह से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में इस बार बहुत ज्यादा मैचेस नहीं खेले, 5 मैचेस में 7 विकेट थे, विजय हजारे ट्रॉफी इनके लिए ओवरऑल बहुत अच्छी गई, 8 मैचेस में 15 विकेट थे, ओवरऑल T20 में भी आप देखेंगे इकोनॉमी थोड़ा सा हायर साइड पर है बट स्ट्राइक रेट आप देखें 26 मैचेस में 38 विकेट इन्होंने लिए, तो विकेट्स निकालते हैं, चाहे T20 क्रिकेट हो, वनडे क्रिकेट हो, टेस्ट क्रिकेट हो, इफ यू आर अ विकेट टेकर इन एनी फॉर्मेट आप टीम को मैच जिताने में हेल्प करते हैं। द मोमेंट आप विकेट निकालते हैं उसका फायदा आपको नहीं मिलता तो आपके साथ वाले गेंदबाज को मिल जाता है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे गेंदबाज T20 क्रिकेट में खेलते हैं विकेट्स नहीं निकालते, इकोनॉमिकल होके जाते हैं, तो कई बार उनकी गेंदबाजी तो बेहतर हो जाती है पर दूसरा गेंदबाज जो आता है वो फिर पिट जाता है उस चक्कर में और उसकी गेंदबाजी खराब होती है। अगर आप बड़े बैट्समैन को आउट कर दें तो मैच आप वहीं से टर्न कर देते हैं। उसके बाद लिस्ट में मैंने तीसरा गेंदबाज पिक किया है यश ठाकुर, विदर्भा से अपनी क्रिकेट खेलते हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए आईपीएल 2023 में इनको खेलने का मौका मिला था और इनके पास जेन्युइनली वो काबिलियत है जिसके बारे में हम कहें कि गेम की तीनों सिचुएशन में बेहतर गेंदबाजी कर सकते हैं।
पहली चीज शुरू होती है पेस के साथ, जो 140 क्लिक्स तक गेंदबाजी कर सकते हैं, और ये वो खिलाड़ी है जो कोर इंडियन क्रिकेट का सिस्टम है वहां से आता है, एज ग्रुप क्रिकेट खेल के आए हैं, उसके बाद विदर्भा के लिए कई साल से खेल रहे हैं, तीनों फॉर्मेट में खेल रहे हैं, शायद रेड बॉल क्रिकेट बहुत अच्छा नहीं किया, व्हाइट बॉल इनका कोर रहा है जिसमें इन्होंने बहुत अच्छा किया है। T20 में पिछले साल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल्स में जो यॉर्कर्स की एग्जीबिशन इन्होंने लगाई थी वो बहुत कमाल की थी, और लखनऊ के लिए जो एक सीजन खेले उसमें इन्होंने ये दिखाया कि इनके पास बाउंसर जो है बहुत अच्छी है, वेरिएशन स्लोअर बर्न्स इनके पास बहुत अच्छी इन्होंने दिखाई। T20 क्रिकेट में आपको चाहिए यही कि स्लोअर बर्न्स आपके सिर्फ वो नहीं हो कि आप बच सके, स्लोअर बर्न्स आपकी विकेट टेकर कितनी है, तो इनके पास वो स्लोअर बर्न्स हैं जो विकेट टेकिंग डिलीवरी हो सकती है, साथ में इनका बाउंसर भी बहुत तीखा है, लगता नहीं है कि इतने तेज है, बट 140 क्लिक्स पर अगर आप अच्छा वेल डायरेक्टेड बाउंसर मारते हैं तो वो भी आपके लिए विकेट टेकिंग डिलीवरी बनता है। IPL में आपने इनसे नई गेंद की गेंदबाजी नहीं देखी है, लेकिन ये नई गेंद भी अच्छी डालते हैं, और पिछले 1.5 साल में अपनी रेड बॉल क्रिकेट पर काफी काम कर रहे हैं, इस बार जोनल क्रिकेट में भी इन्होंने रेड बॉल क्रिकेट खेली थी, और अब आप इनको रणजी ट्रॉफी में खेलते हुए देख रहे हैं, तो इनको भी पता है कि मेरे को स्किल सेट में क्या चीज और ऐड करनी है, क्योंकि T20 क्रिकेट में एक डेथ ओवर की गेंदबाजी है जहां पर आपको वेरिएशन चाहिए, यॉर्कर चाहिए, बाउंसर चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्लोअर बॉल चाहिए जहां आप डिसीव कर सके बल्लेबाज को, वो तो एक स्किल सेट का पार्ट है, बट नई गेंद सीम के साथ आपको मूव कराने की काबिलियत चाहिए, तो रेड बॉल क्रिकेट वो जरिया है जहां से वो स्किल सेट आप अपने गेम में ऐड कर सकते हैं, और ये उस पर काम कर रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत जबरदस्त गेंदबाज है। देन फिर चौथे तेज गेंदबाज की बात करें, और लिस्ट में चौथे तेज गेंदबाज है तुषार देशपांडे। अब इनको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, समझना इसलिए मुश्किल है कि जब आप गेंदबाजी देखते हैं तो आपको लगता नहीं है कि ये गेंदबाज T20 क्रिकेट में इतना सक्सेसफुल हो सकता है, बट ओवरऑल नंबर्स आप इनके जब T20 क्रिकेट के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 67 मैचेस में 99 विकेट है इनके T20 क्रिकेट में, स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा है, इकोनॉमी थोड़ा सा हायर साइड पर है, तो इनके साथ भी वो चीज है कि विकेट निकालते हैं, और पिछले साल IPL में आपने इनके साथ ये देखा था कि पहले कुछ मैचेस इनके खराब गए लेकिन लगातार MS धोनी ने इनको जैसे खिलाया तो फिर गेंदबाजी बेहतर होती गई और विकेट निकाले, 16 मैचेस में 21 विकेट इन्होंने निकाले, और चेन्नई की IPL की जीत में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा था, तो ये जो विकेट टेकिंग वाली चीज है वो इनके पास खास चीज है। बाकी जो मैं गेंदबाजी में देखता हूं, गेंदबाजी में ये ऑल फॉर्मेट बॉलर है, अभी इंडिया ए के लिए भी इनको सेलेक्ट किया गया था, ये साउथ अफ्रीका गए थे वहां पर भी इन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, क्योंकि आप डोमेस्टिक में मुंबई के लिए देखेंगे तो बहुत साल से खेल रहे हैं, T20 क्रिकेट में हाईलाइट अभी हुए हैं, चूंकि IPL में पूरा सीजन खेलने का मौका इनको 2023 में ही मिला, लेकिन ये है ओवरऑल कंप्लीट बॉलर। तो जो T20 क्रिकेट के स्किल सेट की बात करें तो मुझे लगता है कि जो हार्ड लेंथ हिट करते हैं, जो हैवी बॉल है इनके पास, उस पर शॉट मारना बड़ा मुश्किल है, और उस पर इन्होंने काफी ज्यादा विकेट निकाले हैं। उसके अलावा आप देखेंगे कि इनका बाउंसर जो है वो बड़ा सटीक है, मिक्स भी ओवरऑल अच्छा किया, बट बहुत सारी चीजें गेम में और इंप्रूव करनी है, बट अब तक जो भी इनके लिए रहा है परफॉर्मेंस अगर पैमाना रखें उस पर ये खरे उतरे हैं, ना सिर्फ IPL में, इस बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी इनके लिए काफी अच्छी गई, वहां पर भी इन्होंने विकेट निकाले, विजय हजारे भी इनके लिए ओवरऑल अच्छी गई है, तो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस हो रही है, IPL में परफॉर्मेंस हो रही है, इंडिया ए के लिए सेलेक्ट हुए वहां पर भी ठीक ठाक करके आए हैं, तो वो बुरा नहीं है, और पीछे का रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो तीनों फॉर्मेट खेलने वाले खिलाड़ी हैं और बहुत साल से डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, तो मैच्योर्ड प्लेयर भी हैं उस कैटेगरी में अगर आप देखें, क्योंकि T20 में आपको कई बार ओवर एक्साइटेड आप हो जाते हैं तो उसमें भी गलती करते हैं, तो मैच्योरिटी वाला फैक्टर भी बहुत बार इंपॉर्टेंट होता है जो इनकी गेंदबाजी में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद लिस्ट में पांचवें गेंदबाज और टॉप गेंदबाज मोहसिन खान, ये बने ही T20 क्रिकेट के लिए हैं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि यार ये रणजी ट्रॉफी क्यों नहीं खेल रहे, रणजी ट्रॉफी इनको खेलना चाहिए, बट अगर आप पास्ट भी देखेंगे ना तो रणजी ट्रॉफी का शायद ये सिर्फ एक मैच खेले हैं, बाकी इन्होंने जो भी क्रिकेट खेली है वो व्हाइट बॉल क्रिकेट खेली है, लिस्टे मैचेस खेले और T20 क्रिकेट खेली, और T20 में इनका रिकॉर्ड भी बहुत जबरदस्त रहा है। पहले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का बताता हूं, इस साल इन्होंने 5 खेले 11 विकेट लिए और इकोनॉमी इनका था 5.84, तो जबरदस्त वापसी, क्योंकि इंजरी से जूझ रहे थे लगातार, इनको 1.5 साल जो है वो इंजरी ने परेशान किया, IPL 2023 के भी कुछ ही मैचेस खेल पाए थे, 2022 IPL इनके लिए आउटस्टैंडिंग था जिसमें 9 मैचेस में इन्होंने 14 विकेट लिए थे, और साथ में जो इनका इकोनॉमी अगेन
वो 6 से कम था। तो ये बड़ी कंजूसी के साथ गेंदबाजी करते हैं, विकेट्स भी निकालते हैं। और उसके बाद अब इनकी गेंदबाजी की बात करें, जो क्वालिटी नई गेंद की बात करेंगे, आप सीम प्रेजेंटेशन में आज की डेट में दुनिया में मोहम्मद शमी की बात करते हैं, बट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर आपके क्रिकेट में कोई मौजूद है और जिसका सीम प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है तो आप मोहसिन खान की बात करेंगे। इनका सीम प्रेजेंटेशन बिल्कुल आइडेंटिकल है मोहम्मद शमी का। ये भले ही लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, वो राइट आर्म फास्ट बॉलर है, दोनों का एक्शन अलग है, उतना शायद इनका रिस्ट सीधा नहीं आता, बट सीम जब जाती है वो बड़ी सीधी जाती है। वो क्वालिटी है इनके पास, इसीलिए इनका गेंद मूव करता है और डिफिकल्ट टू प्ले होता है बल्लेबाजों के लिए। तो नई गेंद इनकी ताकत है और कई बार ये नई गेंद में बहुत इकोनॉमिकल रहते हैं, विकेट लेके जाते हैं, वहां भी ओवरऑल गेंदबाजी इन्होंने अच्छी की है। उसके बाद आप इनके मिडिल ओवर के फेज की गेंदबाजी देखिए, मिडिल ओवर के फेज में इनके पास स्लोअर बंस के भी कई सारे वेरिएशन है। एक जो आप फिंगर रोल करके स्लोअर बन करते हैं, ऑफ स्पिनर की तरह करते हैं, दूसरा बैकअप द हैंड स्लोअर बन करते हैं, वो वाली स्लोअर बन भी है, और भी डिफरेंट तरीके से स्लोअर बंस ट्राई करते रहते हैं जिसमें ये बल्लेबाजों को डिसीव कर सके। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल भी रहते हैं और विकेट भी निकालते हैं, बिकॉज इनकी स्लोअर बंस भी विकेट टेकिंग डिलीवरीज होती हैं। उसका एक पहलू ये भी है कि इनके पास अच्छी खासी पेस है, जो आपने आईपीएल 2022 में देखा था कि 140 145 तक ये लगातार गेंदबाजी कर रहे थे। जब आपके पास इतनी ज्यादा पेस होती है और फिर आप जब स्लोअर बंस डालते हैं तो दो गेंदों के बीच की पेस का अंतर बहुत ज्यादा होता है, तो बल्लेबाज को ज्यादा फर्क पड़ता है। कम अंतर होता है तो अलग चीज होती है, बट ज्यादा अंतर आपको विकेट टेकिंग डिलीवरी जरूर दिला सकता है। उसके बाद डेथ ओवर की बात करें, सो डेथ ओवर में यॉर्कर मारने की बात आएगी, बाउंसर तो कम मारी जाती है डेथ ओवर्स में, आप मिडिल ओवर्स में ज्यादा बाउंसर मारते हैं, सरप्राइज करनी होती है तभी आप डेथ ओवर्स में आप बाउंसर मारते हैं। तो वहां पर यॉर्कर और स्लोअर बंस का मिक्सचर, कंट्रोल आउटसाइड द ऑफ स्टंप, यॉर्कर जो इन्होंने मार के दिखाई थी 2023 के साल में, एक मैच जो इन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ जिताया था, तो उसमें एक तो आउटसाइड द ऑफ स्टंप यॉर्कर मारी थी, वहीं से कुछ कुछ गेंदें स्लोअर बंस भी डाल दी थी। तो एक जो कंट्रोल है ना कि मेरे को प्लान किस तरह से एग्जीक्यूट करना है गेम की तीनों सिचुएशन के हिसाब से, कब कैसे गेंदबाजी करनी है, उसका आइडिया बहुत है, बिकॉज ये T20 में ही पूरी तरह से मॉडल हुए हुए गेंदबाज है, तो T20 क्रिकेट समझते बहुत अच्छा है। स्किल सेट के साथ जो चीज इंपॉर्टेंट रहती है T20 क्रिकेट में, प्रीएम्प्ट करना कि बल्लेबाज क्या करने की कोशिश कर रहा है और उससे एक कदम आपको सोच में आगे रहना, वो बहुत जरूरी चीज होती है, जो इन्होंने करके दिखाई है। और मुझे लगता है कि इनकी सक्सेस की वजह भी है, जो आपने IPL में देखी है, डोमेस्टिक क्रिकेट में देखी है। तो इंडिया को अगर कोई T20 क्रिकेट में फास्ट बॉलर चाहिए और अगला प्लेयर लेके आना है, तो मुझे लगता है कि मोहसिन खान और यश ठाकुर दो टॉप प्रायोरिटी पर रहने चाहिए। बाकी आपको किसी को देखना है तो मैंने बाकी 3 नामों की बात और की है। आपको वीडियो और इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप सब सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते। थैंक यू सो मच।